क्या आया है? पिज़्ज़ा आ गया हमारा, क्रिंकल फ्राइज सब कुछ है। चलो गरम है, खाओ। Hey guys, welcome back to the another vlog. तीन ब्लॉग बन गए मुझे, पूरे दिन में तीन ब्लॉग आ चाहिए। ये तीसरा ब्लॉग बनने वाला है मेरा। तो फर्स्ट का जो दो पार्ट है, अगर आपने अभी तक नहीं दिया तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा बाबू का फर्स्ट एंड सेकंड बर्थडे ब्लॉग। एंड सेकंड वाला तो जरूर से देखिएगा, बिकॉज हम गए थे बाहर और बहुत इन्जॉयमेंट किया। अगर आप वो ब्लॉग नहीं देखे तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो चलिए फिर, अभी जैसे कि हो रहा है 6:45, घड़ी में 6:45 बज रहे हैं और हम आ गए थे यहाँ पे करीबन 4:30 के आसपास, और डेढ़ घंटा, हाँ अप्रॉक्स, डोंट डू दिस, ऐसे मत करो, छोड़ो। एंड डेढ़ घंटा अच्छे से मैं आराम कर ली हूँ, मम्मी का वीडियो कॉलिंग आया था तो बात वगैरह हो गई है बाबू की सबसे। एंड तो अभी डेकोरेशन करना है, तो हम लोग इस वॉल पे डेकोरेशन करते हैं, मतलब मेनली हमारा ये वॉल ही फ्री रहता है तो इसमें हम डेकोरेशन करते हैं। तो चलिए फिर डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं बिना बकबक किए, बिना बकबक किए डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं, और डेकोरेशन में हेल्प करने वाला है बाबू एज यूजुअल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आया है? कॉल कर रहे हो? आओ मैं बना देती हूँ। सो बाबू का केक आ चुका है यहाँ पे, और थोड़ी देर बाद दर्शन होंगे। लो ये पहन लो, आजा आजा। मुझे पता नहीं था कि ये रिकॉर्ड कर रहे होंगे। सरप्राइज पे सरप्राइज आज मेरे लिए। ये बाबू का केक आ चुका है। अरे हाँ बाबू तैयार है। थोड़ा फैन ऑन कर देते हैं, काफी गर्म है। सो ये रहा गाइस बाबू का केक। ये रहा डेकोरेशन। ये रहा डेकोरेशन। आइए बाबू, बाबू का केक। बैठो, देखो, बोलो हाय गाइस। कैसे हैं आप सब? बोलो कैसे हैं आप। इधर देखो, इधर we'll be right back.
बाबू केक कैसे लग रहा है? यम्मी? पसंद आया? रसमलाई कौन खाएगा? सो क्या कहना है? अच्छा है? ओह माय गॉड, पापा की किस्सी यार। सो ये बाबू का दूसरा राउंड चल रहा है केक का। ये है रसमलाई फ्लेवर केक। सो बाबू इज हैविंग फन। लुक एट दिस। ओके गाइस, सो अभी बर्थडे केक कटिंग हो चुका है। बाबू ने बहुत जल्दी फटाफट काट लिया है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और फोटोज़ भी हमने ज़्यादा क्लिक नहीं की है बिकॉज उसे केक खाने की बहुत जल्दी थी। और अभी पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिए हैं, तो देखते हैं अभी कब आता है पिज़्ज़ा। सो बर्थडे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, केक कटिंग हो गया है, घूमना फिरना हो गया। आज का दिन बहुत ही मज़े से बीता है हमारा। सो आई होप आप सभी को भी बहुत मज़ा आया होगा। एंड अब आती है रिवील करने की, बाबू के गिफ्ट की बारी की, बाबू को हमने कौन सी साइकिल दी है। मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि हम साइकिल लेने गए थे और लिए भी हैं, शेयर किया था, बट कौन सी लिए हमने वो रिवील नहीं किया था। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ कि बाबू को हमने कौन सी साइकिल दी है। तो आर यू रेडी? सो गाइस, ये साइकिल हमने लिया है बाबू के लिए। साइकिल का जो ये है ना, इसमें मतलब टायर ट्यूब ही नहीं है, ट्यूबलेस है, ट्यूबलेस, इसमें ट्यूब ही नहीं है। और ये जो टायर है ये पंचर भी नहीं होता। अच्छा, तो यहाँ पे मैं कुछ दिन पहले का क्लिप ऐड कर रही हूँ, जब बाबू की नई नई साइकिल आई थी तो मैंने कुछ शूट किया था, शेयर कर रही हूँ। आप हैप्पी हो? क्यों हैप्पी हो आज इतना? मैं देखो अभी दिखा दो। आप इतना हैप्पी क्यों, ये तो बताओ। मम्मा, पहली ये बात है, हैप्पी मैं हूँ। क्यों हैप्पी हो? क्योंकि हाँ, क्यों हैप्पी हो फर्स्ट बता तो दो। अच्छा फ्रेंड्स को साइकिल तो दिखा दो, इंट्रो तो दे दो। क्यों हैप्पी हो आप ये तो बताओ। क्योंकि साइकिल है, इसी हैप्पी। कौन से कलर का साइकिल दियो आप? मम्मी ये देखो, मम्मा देखो, मम्मी ऐसे जब भी तुम रहते आती हो ना, इसको ऐसे फंसा के ऐसे। अरे 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 अरे, धीरे धीरे, ब्रेक 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 ब्रेक, ए भग गया। और ये जो क्लिप है वो विश्वकर्मा पूजा का है, जब बाबू अपनी साइकिल की पूजा कर रहा था। So, क्या क्या है? पिज्जा है, ठीक है, क्रिंकल फ्राइज सब कुछ है। चलो गरम है, खाओ। चलो चलिए, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये आप ही का है, आराम से ओपन करो। लो खाओ, ये क्या है? इसको निकालो ना।
मुझे पिज्जा खाना है। कौन सा है ये, कौन सा पिज्जा है? कुछ पनीर तो लग रहा है ऊपर, अब पता नहीं। आज तो मतलब पार्टी हो रही है बाबू की। दिखा देती हूँ कि बाबू को क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। तो आपने कुछ गिफ्ट्स पहले से देख लिए होंगे, फिर भी मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ बिकॉज बाबू के सब गिफ्ट्स मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने आपको जो फर्स्ट व्लॉग था, वीडियो का फर्स्ट व्लॉग, मतलब अभी रात हो गया तो एनर्जी डाउन हो गई है। फर्स्ट व्लॉग जो था बाबू के बर्थडे का फर्स्ट पार्ट, देन इसमें मैंने शो किया था आपको कि ये प्लेट हम कल ही खरीद के लाए थे। कल मतलब जब हम बाबू का गिफ्ट आइटम मतलब बलून वगैरह खरीदने गए थे वाले ब्लॉग में, तो तब हमने ये लिया था उसके लिए। तो ये माइक्रो ओवन सेफ है प्लेट, इसमें आप हीट कर सकते हो। तो ये ऐसा प्लेट मुझे पसंद आ गया तो मैंने कहा कि ठीक है ले लेते हैं। तो ये एक प्लेट मैंने लिया है, ये बाबू का है। सो बाबू उसमें ब्रेकफास्ट भी कर चुका है तो उद्घाटन हो चुका है। देन एक और गिफ्ट उसकी जो मासी ने भेजा था, आपने तो देखा जो उसने लाइट पिंक कलर का टी शर्ट पहना था, तो उसकी मासी ने भेजा था ऑनलाइन से, जो कि ये रहा टी शर्ट। अगर आपने नहीं देखा तो मैं दिखा दे रही हूँ, और ये रहा ये टी शर्ट। सो ये इस टाइप का कुछ टी शर्ट उसकी मासी ने ऑनलाइन से भेजा था। एंड ये दो का सेट था, एक था पिंक एंड दूसरा था ब्लू। सो ये देखो टी शर्ट है, बहुत ही अच्छा ये प्रिंट है, मुझे बहुत पसंद आया वाला जो प्रिंट का टी शर्ट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये है, मुझे पता नहीं आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, बाद में जब मैं चेक करूँगी तब आवाज़ कम हो जाती है बिकॉज अभी फ़ैन चल रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस, तो मैं भी फ़ैन ऑफ भी नहीं कर पा रही हूँ। एंड ये मैंने कुछ दिन पहले जो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, दिखाने वाली हूँ, वो कुछ दिन पहले हमने लाया था। बट ये भी इसका गिफ्ट ही है कि हमने सोचा था बर्थडे पे लाएंगे, लेकिन बर्थडे ये कुछ दिन पहले ले आया था, मैं आपको नहीं दिखाई हूँ। और वो है ये स्टडी टेबल उसका, ये बाबू का स्टडी टेबल है। तो एक्चुअली ये लैपटॉप टेबल भी कह सकते हैं बिकॉज इसमें आप ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं, इसमें आप मोबाइल को ऐसे खड़ा करके रख सकते हैं। सो ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए बाबू के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो ये लिया है। और जो आज वो ड्रेस पहना था वो, सो अभी इतना ही गिफ्ट है। और सबसे बड़ा गिफ्ट है उसका साइकिल जो कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया है। सो इतना सारा उसे गिफ्ट मिला है एंड वो अभी सो गया है, उसका बर्थडे ओवर क्योंकि अभी 9:30 हो रहे हैं, बट वो सो चुका है। तो अब बाबू 6 साल का हो गया है, देखते देखते पता नहीं समय कहाँ चला जाता है, टाइम कहाँ बीत जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। 6 साल का मेरा बेटा हो गया है, अभी भी ऐसा लगता है कि जब उसको मतलब पहली बार मैं देखी थी, वो चेहरा अभी भी मेरे नज़रों के सामने आता है, वो हर एक मोमेंट, मतलब कुछ नहीं कह सकते, मतलब उस फीलिंग का तो कुछ मैच ही नहीं है, वो इमोशन का कोई मैच नहीं है। तो चलिए गाइज, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। मैंने सोचा था 2 पार्ट में ब्लॉग बनेगा लेकिन 3 बन गया, कोई नहीं, कम से कम ये मेमोरी बाद में जब मैं कभी देखने को मन किया तो देख तो सकती कि हाँ हमने ऐसा ऐसा किया था बाबू के बर्थडे पे या फिर जो भी है। तो YouTube बनाने का सिर्फ एक वो है मेरा मोटिव, जो सबसे बड़ा है वो है बाबू की मेमोरी, जो कि हमेशा गाई जाने वाली है। तो या गाइस चलिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें हो गई, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसी के साथ बाबू के बर्थडे ब्लॉग, तीनों ब्लॉग का एंड इस ब्लॉग में हो रहा है। सो या आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, बाबू का बर्थडे भी यहीं पे ख़त्म होता है।
सो आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इन्जॉय किया हो, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय।